जोजो किड्स। चींटी को सबक। एक चींटी पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, जिस पर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। अचानक चींटी कबूतर से मजाक करते हुए बोली, तुम्हारा घर कितना सख्त है, ये टूटी हुई टहनियों से बना है, इसमें कोई छत नहीं है और कच्चा दिखता है। मुझे लगता है कि मेरा घर जो मेरा खोल है आपके घोंसले से बहुत अच्छा है। हाँ, ये टूटी हुई हड्डियों से बना है, सख्त दिखता है और यह कच्चा है, लेकिन मैंने इसे बनाया है और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि यह किसी भी अन्य घोंसले की तरह है, लेकिन मेरी तुलना में बेहतर नहीं है। तुम्हें मेरे खोल से ईर्ष्या होनी चाहिए। मेरे घर में मेरे परिवार और दोस्त के लिए जगह है, लेकिन आपने तो अपने साथियों को छोड़कर अकेले खोल में रहना शुरू कर दिया। मुसीबत में तुम अकेली हो जाओगी। शायद आपके पास एक बेहतर घर हो, लेकिन मेरे पास एक पूरा परिवार है, वही मेरा घर है। चींटी चुप हो गई और फिर अपने परिवार के बारे में सोचने लगी। कबूतर सही कह रहा है, मेरे पास अच्छा घर है, लेकिन मेरा परिवार तो नहीं। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। चींटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कबूतर से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे अपने परिवार के पास जाना होगा या फिर उन्हें अपने साथ यहाँ लाना होगा। एक साथ रहने में जो मजा है, अकेले रहने में बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। एक भीड़ वाली हवेली से बेहतर भीड़ वाली झोपड़ी होती है। परिवार सबसे अनमोल होता है। कबूतर, चींटी और तोता। एक समय की बात है, एक कबूतर था, उसे उड़ना नहीं आता था, उड़ने से बहुत डरता था। सब कबूतर उससे बहुत परेशान हो गए थे। पास ही में एक शरारती तोता वहाँ रहता था। वह हमेशा कबूतर को चिढ़ाता रहता। तुम कितने डरपोक हो, कैसे हो तुम, तुम्हें तो उड़ना भी नहीं आता। कबूतर चुपचाप तोते की बात सुनता रहा। तोता रोज उसे परेशान करता और कबूतर रोज झाड़ियों में छिपकर बैठ जाता। एक दिन चींटी ने कबूतर को देखा। तब चींटी ने कहा, दोस्त कबूतर, क्या हुआ तुम्हें, तुम यहाँ किस लिए छिपे हो, तुम तो उड़ सकते हो, तो यहाँ झाड़ियों में क्या कर रहे हो, किससे डर रहे हो। चींटी जी, पास ही में एक दुष्ट तोता मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसी से छिप के बैठा हूँ। चींटी ने कबूतर को समझाते हुए कहा, देखो कबूतर, तुम कब तक उस तोते से डर कर रहोगे, यहाँ झाड़ियों में छिपे रहोगे, तुम उड़ सकते हो, कोशिश तो करो। ठीक है, मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ, मगर सच कहूँ मुझे बहुत डर लगता है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें हौसले और हिम्मत से काम लेना होगा। भगवान ने तुम्हें सुंदर सुंदर पंख दिए हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे, उड़ने की कोशिश करो दोस्त। कबूतर उड़ने की कोशिश करने लगा। वह उड़ता और नीचे गिर जाता। उसने कई बार कोशिश की, मगर वो इसी तरह गिरता रहा। मगर इसी प्रयास के दौरान कुछ समय बाद वह उड़ने लगा और धीरे धीरे वह ऊंची उड़ान भी भरने लगा। उसे बहुत खुशी हुई और वो खुद से कहने लगा, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही डरता था, आज चींटी की सलाह की वजह से मैं उड़ पा रहा हूँ, उसी ने मेरा हौसला बढ़ाया है, वो मेरी सच्ची दोस्त है। तोते ने जब कबूतर को उड़ता हुआ देखा तो उसने कभी उसे परेशान नहीं किया। कबूतर और चींटी पक्के दोस्त बन गए और रोज एक दूसरे से मिलते और बहुत खुश रहते। कबूतर को फिर किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वह मजे से बिना डर के अपने डर पर जीत पाकर जीने लगा। राजा शेर। एक जंगल में राजा शेर बहुत समय से राज कर रहा था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, लेकिन अचानक जंगल में सूखा पड़ा। सभी जानवर धीरे धीरे बिना पानी के मरने लगे।
एक दिन शेर को भी बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में भटक रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। काफी दूर तक चलने के बाद शेर को एक तालाब नजर आया। शेर बहुत खुश हो गया। शेर ने देखा तालाब में पानी बहुत कम था। शेर जैसे ही पानी पीने लगा, उसने देखा अचानक वहाँ एक भालू आ गया। ठहरो, मैं बहुत प्यासा हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ, इसीलिए पहले मुझे पानी पीने दो। पहले पानी मैं पीऊंगा। दुष्ट जानवर, क्या तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ? किसका जंगल, कौन सा जंगल? मेरा कोई राजा नहीं, पानी तो सिर्फ मैं ही पीऊंगा। मूर्ख, तू जहाँ से भी आया है पानी को नहीं पी पाएगा, और ये मेरा पानी है, मैं कभी अपना पानी किसी को नहीं पीने देता। तुम मुझे क्या मारोगे, अब तुम कौन से राजा हो? सभी जानवर मर चुके हैं, पहले अपनी हालत तो देख लो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे मार सको? शेर और भालू लड़ने लगे। अचानक वहाँ गिद्ध आ गया। अरे, ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे। हाँ, यही सही रहेगा, और वैसे भी जब इतना सूखा है मेरे तो बड़े मजे हैं, हर जगह भोजन ही भोजन है। तभी भालू की नजर ऊपर गिद्ध पर पड़ी। तब उसने शेर से कहा, अरे ये क्या गिद्ध, लगता है ये हमारे मरने का इंतजार कर रहा है। शेर, भलाई इसी में है हम आधा आधा पानी पीकर यहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाएं, नहीं तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हें। हाँ, तुम सही कह रहे हो, एक दूसरे को हानि पहुँचाने में कोई फायदा नहीं, इस गिद्ध की नजर हम दोनों पर है। दोनों ने बड़ी समझदारी के साथ तालाब के पानी को मिल बांट कर पी लिया और अपने अपने रास्ते चल पड़े। आकाश में गिद्ध के हाथ निराशा लगी और वो भी वहाँ से चला गया। हमें व्यर्थ में लड़ने की बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए। नीली गेंद और घोड़ा। एक बार जंगल में एक घोड़ा था। नदी के पास उसे नीले रंग की गेंद मिली। वह बहुत खुश हुआ और उस गेंद के साथ वहीं पर खेलने लग गया। गेंद कभी ऊपर कभी नीचे, उसे बड़ा मजा आ रहा था। तभी घोड़े ने गेंद को जोर से ऊपर फेंका और वह नीचे नहीं आई। वह परेशान हो गया और खुद से कहने लगा, ये नीले रंग की गेंद कहाँ गई? चलो यहाँ रह रहे जानवरों से पूछता हूँ, कहीं उन्होंने तो नहीं देखी। पहले उसने वहाँ रहती मछली से पूछा, हे प्यारी मछली, क्या आपने मेरे नीले रंग की गेंद देखी है? नहीं नहीं दोस्त, हमने कोई गेंद नहीं देखी, अगर हमें मिलेगी तो हम आपको बता देंगे। फिर घोड़े ने पास रह रहे खरगोश से पूछा, खरगोश जी, क्या आपने मेरे नीले रंग की गेंद देखी जिसके साथ मैं खेल रहा था? नहीं नहीं दोस्त, मैंने नहीं देखी। घोड़ा दोबारा गेंद को ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की। अचानक जब उसकी नजर ऊपर गई, तो एक पेड़ पर टहनी के बीचों बीच वह फंसी हुई थी। घोड़ा खुश हो गया और पेड़ पर रह रही छोटी सी चिड़िया से मदद मांगने लगा। चिड़िया जी, मेरी नीली गेंद टहनी में फंस गई है, कृपा करके निकाल कर दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी निकाल कर देती हूँ। चिड़िया ने वह नीली गेंद पेड़ की टहनी से निकाल कर उस घोड़े के पास फेंकी। वह बहुत खुश हो गया और अपने साथ चिड़िया को भी खेलने का न्योता दिया। क्या आप इसी तरह मेरे साथ खेलना पसंद करेंगी? जब कभी भी मेरी गेंद इस तरह फंसेगी, आपको निकालनी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। कभी कभी छोटी चीजों में हमें बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है। मूर्ख शेर और लोमड़ी। एक जंगल में शेर रहता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे सो रहा था और जोर जोर से खर्राटे मार रहा था। तभी वहां से भालू गुजरा और शेर के पास जाकर कहने लगा, जाओ शेर, अपना मुंह धोकर आओ, तुम्हारे मुंह से बहुत बदबू आ रही है। तुम होते कौन हो मुझे ऐसा कहने वाले, चले जाओ यहाँ से,
नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। भालू वहां से चला गया। तभी शेर ने अपनी गुफा में लोमड़ी, भेड़, खरगोश को बुलाया। सभी जानवर गुफा के पास इकट्ठे हुए। शेर ने पहले भेड़ से पूछा, भेड़ बताओ मेरे मुंह से क्या बदबू आ रही है? नहीं महाराज, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। शेर को गुस्सा आया और उसने भेड़ को मार डाला। खरगोश बेचारा यह देखकर बहुत डर गया। तब उसकी बारी आई। खरगोश तुम बताओ क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? नहीं 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 शेर जी, कोई बदबू नहीं आ रही। आपके मुंह से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। झूठ मत बोलो, अभी बताता हूँ। शेर ने खरगोश को भी मार डाला क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। लोमड़ी ने दोनों को ऐसा करते हुए देखा। वह समझ गया कि उसे क्या करना है। लोमड़ी तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम बताओ क्या मेरे मुंह से बदबू आ रही है? महाराज पिछले कुछ दिनों से मुझे ठंड लगी रही है, जिस वजह से मेरी सूंघने की शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जब तुम ठीक हो जाओगे तब मेरे सवालों का जवाब देना। लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बुद्धिमान अपना विचार बदल देते हैं, मूर्ख कभी नहीं बदल पाते। Please subscribe.